पूर्व सांसद एवं बाहुबली नेता धनंजय सिंह लड़ेंगे लोकसभा का चुनाव। उनकी पत्नी श्री कला सिंह ने कर दिया बड़ा ऐलान। जी हां, नमस्कार दोस्तों, इंडिया बोलेगा में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं, अटकलों का बाजार लगातार ये गर्म होता रहा है कि धनंजय सिंह चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। 2 महीने पहले उनकी लड़ने की पूरी तैयारी थी, उनका बैनर पोस्टर तमाम गली मोहल्लों में लगाए जा चुके थे, लेकिन अचानक उन्हें 2020 के पुराने रंगदारी अपहरण मामले में जौनपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने दोषी करार दिया। उसके बाद जो है पूर्व सांसद धनंजय सिंह को 6 मार्च को जौनपुर की एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा 7 साल की सजा सुना दी गई। उसके बाद पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने जौनपुर के एमपी एमएलए कोर्ट के खिलाफ जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील दाखिल की है। 8 तारीख को वहाँ पर सुनवाई हुई, ट्रायल के रूप में सुनवाई की गई है और अगली तारीख उन्हें 24 अप्रैल की दी गई है हाई कोर्ट के द्वारा। इसी बीच जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह की पत्नी एवं जौनपुर की वर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष श्री कला धनंजय सिंह ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हमें पूर्ण विश्वास है न्यायपालिका के जस्टिस पर, वो 24 अप्रैल को छूट के आ रहे हैं और एक बार फिर अपने लोगों के बीच कार्यरत होंगे। ये कहा है जौनपुर की जिला पंचायत अध्यक्ष श्री कला धनंजय सिंह ने। उन्होंने सीधे तौर पर साफ तौर पर सरकार पर निशाना साधा, वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सरकार पर सीधा निशाना साधा और कहा कि ये सभी लोग जानते हैं कि वो मुकदमा फर्जी था, यानी 2020 वाला जो मुकदमा था वो फर्जी था और जो है उन्हें चुनाव लड़ने से रोकने के लिए उन्हें फंसाया गया है, लेकिन जो है हमें न्यायपालिका के ऊपर पूरा भरोसा है और 24 अप्रैल को पूर्व सांसद धनंजय सिंह छूट के आ रहे हैं। ये कहना है जौनपुर की जिला पंचायत अध्यक्ष श्री कला धनंजय सिंह का। आपको बता दें कि श्री कला धनंजय सिंह ने चुनाव लोकसभा 24 के चुनाव का आगाज कर दिया है। वो लगातार धनंजय सिंह की अनुपस्थिति में अपने समर्थकों, अपने शुभचिंतकों, अपने तमाम लोगों से मिल रही हैं, लगातार जनसंपर्क कर रही हैं और 2024 को लेकर जो है सबका हाल जान रही हैं। इसी बीच पत्रकारों द्वारा उनसे ये भी पूछा गया कि अगर पूर्व सांसद धनंजय सिंह को 24 अप्रैल को बेल नहीं मिलती है तो क्या आप चुनाव लड़ेंगी, तो श्री कला धनंजय सिंह ने कहा कि हो सकता है कि मैं भी लड़ सकती हूँ, लेकिन हमें न्यायपालिका के ऊपर पूरा भरोसा है कि भैया जरूर छूट के आएंगे, यानी कि पूर्व सांसद जरूर छूट के आएंगे और वो चुनाव लड़ेंगे। और श्री कला सिंह ने यहाँ पे भी कह दिया, जब उनसे पार्टी के बारे में पूछा गया कि किसी पार्टी के सिंबल तले या निर्दल ही इस बार चुनाव लड़ेंगी आप, तो पूर्व सांसद धनंजय सिंह की पत्नी श्री कला धनंजय सिंह ने जवाब दिया कि समय आने पर सब बता दिया जाएगा कि हम निर्दल लड़ेंगे या किसी पार्टी के सिंबल पर। लेकिन श्री कला धनंजय सिंह ने आगाज कर दिया है 2024 लोकसभा चुनाव जौनपुर के लिए, अपने पति के लिए लगातार वो जनसंपर्क कर रही हैं, कई इलाकों में जा रही हैं, अपने पति की अनुपस्थिति में वो लगातार अपने शुभचिंतकों से मिल रही हैं, अपने समर्थकों से मिल रही हैं और उनसे क्या, उनसे उनकी जानकारी, उनसे उनके उनके मतलब धनंजय सिंह के बारे में क्या सोच रहे हैं उनके समर्थक वर्तमान समय में, उनकी जानकारी ले रही हैं और लगातार कहीं ना कहीं जो है एक तरीके से 2024 का तैयारी कर रही हैं। श्री कला धनंजय सिंह, जो अटकलों का बाजार था वो तो काफ़ी तरह से ये शांत होता नज़र आ रहा है और जौनपुर की सियासी माहौल काफ़ी गर्म होती भी नज़र आ रही है कि अब जो है कहीं न कहीं जौनपुर में धनंजय सिंह के परिवार से कोई न कोई चुनाव जरूर लड़ेगा। धन्यवाद।